सिंध का बहुत बड़ा ना गैंगस्टर है ठीक है गैंगस्टर है हां जी गैंगस्टर है निजात द हिंद गैंगस्टर है सुपर डुपर करप्ट निजात द हिंद गैंगस्टर है सुपर डुपर करप्ट निजात द हिंद गैंगस्टर है सुपर डुपर करप्ट पाकिस्तानी टीवी चैनल्स तो आप देखते होंगे क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये हमारे जहनों पे कितना असरअंदाज होते हैं जी ये जिस चीज़ को कह दें अच्छा वो अच्छा है और जिस चीज़ को कह दें बुरा वो बुरा है वो कुछ भी हो सकता है कोई प्रोडक्ट हो सकता है कोई पर्सनैलिटी हो सकती है या कोई सियासतदान हो सकता है यकीन नहीं आता एक डेमो दूँ आपको मेरे हाथ में कुछ तस्वीरें हैं सियासतदानों की ख़बरों में इश्तहारात में टीवी शोज़ में और मजाया प्रोग्राम्स में हम इनके बारे में क्या सुनते हैं क्या बार बार हम वही बात सुनते हैं इनको देख के आपके जहन में पहला लफ्ज़ क्या आता है क्या ये परसेप्शन मीडिया की बनाई हुई है चलें एक डेमो करते हैं लोगों के पास जाते हैं और उनको ये कुछ सियासतदानों की तस्वीरें दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके जहन में पहला लफ्ज़ क्या आ रहा है और मैच करते हैं क्या ये वही लफ्ज़ तो नहीं जो मीडिया ने हमें 70 सालों में सिखाया है चलें चोर चोर इसको देख के सबसे बड़ा चोर सबसे बड़ा चोर इसको देख के निजात द हिंद निजात द हिंद और सर इसको देख के दहशतगर्द सर इसका नाम क्या है इसका नाम नहीं है आपका नाम नहीं पता रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा शक्ल से तो बहरहाल दहशतगर्दी लग रहा है ये कोई डुअल पर्सनैलिटी है इनकी कोई लेकिन अननोन है ऐसे नहीं जानता इनको मैं जानते हैं ये कौन है गौर करें इस पे मुझ पे नहीं तो बंदा मैं जान रहा हूँ यार मैं नहीं जानता सो कॉल्ड लीडर इसके बारे में कुछ आया ही नहीं है यार ये है वो क्या नाम पश्तीन खान का कुछ इस तरह का नाम है इनका मंजूर मंजूर पश्तीन के फ्राडिया डबल फ्राडिया करप्ट सुपर डुपर करप्ट थीफ डैड ऑफ थीफ ग्रेट लीडर जानते हैं सर मैं इनके बारे में नहीं जानता उतना खास चोर चोर हंसते भी आप ये मुझे बड़ा डाकू है डकैत आदमी डाकू तो ये तो वैसे शक्ल से चोर लगता है वेरी क्रूशल क्रूअल मैन ये लेजेंड नया चेहरा सर जो एक वर्ड आ रहा है ना आपके दिमाग में ये पिक्चर देख के आपने वो बोलना है फारिग इविल जीनियस फेक ये एक्टर एक्टर जीनियस में जीनियस है ये नहीं नहीं हमारे एक नया पाकिस्तान बना रहे थे ठीक है जो आप पहुंच जाके आप ऊपर बुलंदी वैसे आस्ते ये नीचे आएगा फिर ऊपर चढ़ेगा ये एक पठान है जो वीडियोस कॉपीज करता है ठीक है अपनी अपने बारे में इन्फो देता है कि कौन किस तरह चल रहा है जी तो ये था एक सोशल एक्सपेरिमेंट फैसला आपको खुद करना है कहीं चीज़ों के बारे में आपकी राय वही तो नहीं जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमें पढ़ाई है